मिर्जापुर में सहकारी समिति से खाद चुराने वाले प्रतापगढ़ के गैंग का पुलिस टीम ने पर्दाफाश किया। पडरी पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने चोरी की 125 बोरी डीएपी खाद के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया। बरामद खाद की कुल कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए ये चोर शातिर तरीके से गोदाम में रखे खाद को गोदाम का ताला तोड़कर चुरा ले गए और चोरी करने के बाद खाद को भेडुआ पहाड़ी के सुनसान खदान में छिपा दिया। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तों को धर दबोच लिया और अभियुक्तों की निशानदेही पर टीम ने चोरी के कुल 125 बोरी खाद बरामद की। वहीं एएसपी सिटी ने बताया कि पडरी थाना क्षेत्र के परसनपुर गांव स्थित सहकारी समिति के गोदाम का ताला तोड़कर चोर 135 बोरी डीएपी खाद चुरा ले गए थे। पडरी थाना अध्यक्ष वेंकटेश तिवारी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर पड़ताल में जुटी थी। मुखबिर की सूचना पर टीम ने पडरी के चांदलेवा रोड भेड़वा पहाड़ी स्थित एक क्रशर खदान से 4 अभियुक्तों को धर दबोचा। देखिए, जो 23/8 को थाना पडरी जनपद मिर्जापुर में डीएपी खाद की 135 बोरियों की चोरी हुई थी, और चूंकि वास्तव में आप जान रहे हैं कि किसानों की कितनी आवश्यकता होती है डीएपी खाद की, और उस दौरान ये चोरी हो जाना थोड़ा पुलिस के लिए एक चैलेंज, एक चुनौती थी, जिसके परिदृश्य में हम लोग अपने पूरी टीम के साथ स्वाट टीम थाना पडरी सी सदर में खुद हम लोग उस पर काफ़ी सक्रिय थे, और इसी के दौरान हम लोगों ने ये सूचना प्राप्त होती है कि प्रतापगढ़ का एक गैंग है जो इस समय सक्रिय है और इस तरह से डीसीएम लेके चलता है और इस तरह से चोरी कर लेता है। उसमें हमने मुखबिरी के आधार पर इनको आज सुबह तड़के 6:15 बजे चंद्रेवा पहाड़ी के पास पकड़ा है, जिसमें 4 मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं। ये बेचने की फिराक में थे और 135 बोरी में से 125 बोरी की बरामदगी, लगभग मोर देन 95% की बरामदगी हम लोगों ने किया है। निश्चित तौर से प्रशंसनीय कार्य है और टीम को जो है 15,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है, और साथ साथ ये भी है कि निश्चित तौर से ये एक ऐसा कार्य जिस पर हम जो चोरियां कुछ इधर हो रही थी उस पर एक बहुत बड़ा लगाम भी लगेगा, इन पर हम गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे। पहले भी लोगों के ऊपर आपराधिक अभियुक्त, हाँ, ये जो मुख्य अभियुक्त है इसमें, चूँकि उस तारीख को जो आए थे इसमें मुख्य अभियुक्त 4 लोग थे, जिसमें राम लखन मुख्य अभियुक्त था, जिसका डीसीएम भी था और यही मुख्य अभियुक्त भी है, और ये लोग 4 लोग आए थे और इसमें उनको उनके पास से गिरफ्तार किया गया। क्या ये लोग खाद लेकर के किसी सरकारी विभाग ये कहीं बेचते थे, क्या करते थे? हाँ, ये जो वीरेंद्र पटेल नाम का एक लड़का इसमें है, जिसके खाद की दुकान पर ये बात चल रही थी, इसी के माध्यम से बेचने की फिराक में थे और जिसके आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया। कितने कीमत की खाद? इसका दाम वैसे ऑफिशियली जो सरकारी रूप से है 1,60,000 दुकान के हिसाब से था, और जो हमारी रिकवरी है वो 1,45,000 की है। फिलहाल पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और एक फरार अभियुक्त की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने बरामद डीसीएम भी कब्जे में ले लिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से ब्रिजलाल मौर्य की रिपोर्ट।